नमस्कार, एसीएन भारत देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ प्रियांशु शर्मा। इस वीडियो में हम बात करेंगे एक ऐसे क्रिकेटर की जिसने कंगारू के छक्के छुड़ा दिए हैं। चोट के कारण 5 महीने मैदान से दूर रहने वाले क्रिकेटर ने वापसी करते ही लगातार 2 टेस्ट मैच में प्लेयर ऑफ द मैच का अवार्ड जीत लिया। हम बात कर रहे हैं भारत की धुलंधर क्रिकेटर रविंद्र जडेजा की। जडेजा ने चोट को दफन कर जिस अंदाज में मैदान पर वापसी की है वह क्रिकेट इतिहास में सुनहरे अक्षरों से दर्ज हो गई है। बाएं हाथ की इस फिरकी गेंदबाज ने तब कंगारू के पैर बांध दिए हैं। रविंद्र जडेजा ने ऑस्ट्रेलिया के दूसरे टेस्ट मैच की दूसरी पारी में ऐसा कहर बरपाया कि ऑस्ट्रेलिया के बल्लेबाज एक के बाद एक पवेलियन लौट गए। रविंद्र जडेजा ने दूसरी पारी में 7 विकेट लिए हैं जिसमें से 5 रविंद्र जडेजा ने क्लीन बोल्ड कर दिए और इसी के साथ जुड़े जाने की टीम इंडिया के लिए बड़ा रिकॉर्ड भी बना दिया है और सबसे कम ओवरों में 7 लेकर 7 विकेट लेने वाले भारत के लिए पहले गेंदबाज बन गए। रविंद्र जडेजा के टेस्ट मैच में प्रदर्शन को देखें तो पहली पारी में रविंद्र जडेजा ने 21 ओवर में 68 रन खर्च कर 3 विकेट लिए थे। वही दूसरी पारी में 12.1 ओवर में 42 रन खर्च किए, 7 विकेट अपने नाम किए हैं। रविंद्र जडेजा की दूसरे प्रदर्शन में कमाल की बात तो यहां रही कि पहले 7 ओवर में रविंद्र जडेजा को सिर्फ 1 विकेट मिला था और अगले 5.3 ओवर में रविंद्र जडेजा ने 6 रन खर्च कर 6 विकेट निकाल दिए। रविंद्र जडेजा का यह प्रदर्शन काफी शानदार रहा है। दिल्ली का मैदान जो है रविंद्र जडेजा को हमेशा रास आता है। रविंद्र जडेजा की पारी में गेंद कुछ नीचे रह गई थी, कुछ स्पिन हो रही थी और कंगारू के पास खेलने का कोई भी मौका नहीं था, जिसके बाद एक बार एक कंगारू बल्लेबाज बोल्ड होते गए। अगर दिल्ली में जडेजा का प्रदर्शन देखें तो 4 मैच में 29 विकेट लिए हैं, सर्वाधिक उनका 42 रन देकर 7 विकेट रहा जो इस मैच में बना है। वहीं दिल्ली में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ जदोजहद में उनका प्रदर्शन देखें तो इस मैच में 17 विकेट छटके हैं जबकि 42 रन देकर 7 विकेट सर्वाधिक इसी मैच का है। ऐसा नहीं है कि जडेजा ने सिर्फ दिल्ली में ही अच्छा प्रदर्शन किया है। पहला टेस्ट मैच जो नागपुर में हुआ था उस वक्त पर जडेजा ने अपना कहर बरपाया था। नागपुर टेस्ट मैच में जडेजा मैन ऑफ द मैच भी रहे थे। पहली पारी में 22 ओवर करवाए, 45 रन खर्च किए थे और 5 विकेट अपने नाम किए थे। नागपुर टेस्ट मैच की दूसरी पारी में देखें तो 12 ओवर में 34 रन देकर 2 विकेट लिए थे, यानी कि जडेजा ने कुल मिलाकर अभी तक की सीरीज में अव्वल रहे हैं और कंगारू की नाक में दम किया है। अगर बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी में जडेजा का अब तक का प्रदर्शन देखें तो 67.1 ओवर में 17 विकेट अपने नाम कर चुके हैं, सर्वाधिक 42 रन 7 विकेट है जो कि दिल्ली टेस्ट मैच में बना है, यानी कि बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी में ऑस्ट्रेलिया के बल्लेबाजों के पास कोई भी जडेजा का तोड़ नहीं है। जडेजा जब गेंदबाजी करने आते हैं तो ऑस्ट्रेलिया के बल्लेबाज घुटने टेकने पर मजबूर हो जाते हैं। बॉलिंग फिगर के साथ ही जडेजा का मैच फिगर काफी शानदार हो चुका है। अभी तक जडेजा ने 62 टेस्ट मैच में 259 विकेट निकाले हैं, एक इनिंग में 42 रन देकर 7 विकेट बेस्ट रहा और जबकि मैच में 110 रन देकर 10 विकेट सबसे सर्वाधिक रहा है। वही टेस्ट मैच में 12 बार विकेट लिए हैं जबकि 10 विकेट से 2 बार लिया है। कुल मिलाकर देखा जाए तो रविंद्र जडेजा टीम इंडिया के लिए मैच विनर साबित हुए हैं। यह वही जडेजा है जिन्होंने लंबे समय बाद टीम इंडिया में वापसी की थी। आपको याद होगा कि लगभग 6 महीने पहले रविंद्र जडेजा आपको बेशाखी पर दिख रहे थे, लेकिन अब जब वह ग्राउंड पर आए तो नागपुर टेस्ट मैच में तहलका मचाया और अब दिल्ली के दंगल को रविंद्र जडेजा ने जीत लिया है। अब देखना होगा कि आने वाले 2 टेस्ट मैचों में रविंद्र जडेजा अपनी गेंदबाजी से कंगारू की नाक में कितना दम करता है।